वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकोन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् शंकर भगवान की जय बाबा महाकाल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की नम पार्वती पते हर हर महादेव शंभो आप सभी सनातनी भक्तानुलंबी महानुभावों को भगवान भोलेनाथ के वैवाहिक पर्व श्री शिवरात्रि महापर्व की महा महोत्सव की अनंत अनंत कोटिशह मंगल कामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई सज्जनों शिवरात्रि के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए जैसा उपवास का विधान एकादशी का है ऐसा ही भैया एकदम शिवरात्रि का भी है शिवरात्रि के दिन भी त्रयोदशी से व्रत त्रयोदशी की संध्या से शाम से व्रत प्रारंभ होता है और चतुर्दशी के पूरे दिन व्रत रहता है और चतुर्दशी की रात्रि में भगवान भूतवावन भोलेनाथ की दिव्य नित्य नवीन पदार्थों से पूजा करें और देखो विशेषकर माताओं के लिए और जो दुज हैं ब्राह्म दुज नहीं हैं ब्राह्मण बंधु ब्राह्मणों में भी जिनका यज्ञोपवी संस्कार नहीं हुआ है उन लोगों को माताओं को और ब्राह्मण इतने तरह जितने भी सज्जन हैं सभी को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए शिवजी की पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है चारों वर्णों को भगवान शिव की पूजा करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन शिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण अवश्य करें रात्रि में चार पहर की पूजा अवश्य करें और अमुक अमुक कामनाओं के लिए अमुक अमुक वस्तुओं के द्वारा भगवान शाम सदाशिव भोलेनाथ के ऊपर रुद्रा करें अगर धन की अत्याधिक कमी है तो कन्ने के रस से दिव्य भगवान का अभिषेक करें किसी भी कामना की पूर्ति चाहते हो तो बढ़िया दूध गौ माता का, का दूध लेकर के उस गौ माता के दिव्य दूध से भगवान के ऊपर नित्य निरंतर श्रृंगी में अभिषेक भर करके उस जल को भगवान शंकर का अभिषेक करें अगर रोग बहुत सताते हैं रोग पीछा नहीं छोड़ते हैं तो रोग नाश के लिए भगवान शिव का कुशा के जल से अभिषेक करें अमुक अमुक कामना की पूर्ति के लिए अमुक अमुक वस्तुओं के द्वारा अभिषेक किया जाता है भैया भगवान भोलेनाथ जो हैं वो नाथ अनाथों के भी नाथ हैं दीनानाथ हैं दीन बंधु है, हैं त्रिपुरारी हैं जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान शिव की पूजा करता है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भगवान शिव और शिव देखो जिसके घर में धन नहीं है दरिद्रता है उन लोगों को तो भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि भगवान शंकर के बराबर देने वाला कोई नहीं है भैया देते समय संकोच करते हुए इस भगवान शिव को कभी नहीं देखा गया आप जो चाहोगे सो पाओगे लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें माताओं को केवल व केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए शूद्र इत्यादि वर्णों के सभी पुरुषों को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और पार्थिव जो पूजा है वो विशेष फलदायी है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो बिना मंत्र के निर्माण नहीं करना चाहिए माताओं को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय और अन्यत्र वर्ण वालों को शिवाय नमः या नमः शिवाय कोई भी ऐसा विश्व मंत्र को बोल सकता है और ब्राह्मण जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वो ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ में अगर और कोई वैदिक मनोजोत इत्यादि वैदिक मंत्रों को नहीं जानते हैं तो वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र बोलते हुए संपूर्ण पूजा को पूर्ण कर सकते हैं कोई भी वस्तु चढ़ावे भगवान सब के ऊपर तो ओम नमः शिवाय समर्पयामी माताएं या कोई भी सज्जन चढ़ावे जिनका यज्ञोपवित संस्कार नहीं हुआ है तो वो नमः शिवाय समर्पयामी नमः शिवाय समर्पयामी समर्पण का पूर्ण भाव रहे और भगवान शंकर के ऊपर आप किसी भी मनोकामना को लेकर के शिवरात्रि का व्रत करेंगे आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होगी भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं अरे जल के चढ़ाई से जमलोक लोक से उभार लेते चंदन के चढ़ाई से चक्रवर्ती कर देते हैं बेलपत्री के चढ़ाई से अपनो जन कर लेते गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं भगवान भोलेनाथ जैसा सरल देव कोई नहीं है मस्तिष्क पर त्रिपुंड भस्म अवश्य हो चाहे वो माताएं पूजा करें चाहे कोई पुरुष वर्ग पूजा करे गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य हो बिना भस्म ना बिना रुद्राक्ष मालया और भैया बिना भस्म के त्रिपुंड के बिना रुद्राक्ष की माला के बिना बिल्व पत्र के और बिना नमः शिवाय मंत्र के भगवान शिव की पूजा स्वीकार्य नहीं होती जिनके मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा हो गले में रुद्राक्ष की दिव्याति दिव्य माला धारण हो और जिनके मुखमंडल में नमः शिवाय शब्द गूंज रहा हो भैया ये तो त्रिवेणी के समान उन लोगों के दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है इसीलिए आप से अनुरोध है शिवरात्रि के दिन चूके नहीं साल भर में ऐसा परविक बार प्राप्त होता है तो इसीलिए सभी ज्यादा से ज्यादा शिवरात्रि में व्रत करें भगवान शिव का अर्चन करें और कोई विशेष जानकारी के लिए फोन पर संपर्क कर लें शिवरात्रि 8 मार्च की है शिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को करें सात मार्च की संध्या से ही व्रत रहना प्रारंभ कर दें और प्रातः जैसे ही जागृत निद्रा को छोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करें प्रभु हम आपके आज व्रत को करने जा रहे हैं हमारे व्रत में कोई भी विघ्न ना आवे कोई भी ना आवे ऐसा संकल्प करें बाबा भोलेनाथ आज के दिन हम आपके ही ज़्यादा से ज़्यादा समीप रहेंगे आज झूठ नहीं बोलेंगे आज किसी की निंदा स्तुति नहीं करेंगे आज किसी की चुगली नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करके भगवान का व्रत करना चाहिए भोले शंकर भगवान की जय आप सभी को हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम